सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क इटर्नल का। तो गाइस, आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे जो है ना भाई, हमने फायर वाला ड्रैगन टेम करा था। एंड मैंने आपसे बोला था कि ड्रैगन आर्मी जो है ना आने वाले एपिसोड्स में बनने वाली है। और जस्ट मैंने अपने बेस के आजू बाजू देखा ना, तो यहाँ पे इतने ज्यादा ड्रैगन घूम रहे, देख रहे हो, यहाँ पे पॉइजन है। यहाँ पे कहाँ पे देखा मैंने, एक अल्फा घूम रहा है, मतलब इतने ज्यादा, हाँ थोड़े से लो लेवल के, लेकिन काफी ज्यादा अलग अलग तरह के जो ड्रैगन है ना अपने बेस के आजू बाजू घूम रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस, जितने ड्रैगन आजू बाजू घूम ही रहे तो इनकी आर्मी जो है ना आज के एपिसोड में बनाई जाए। वैसे आज के एपिसोड में कोई दो ड्रैगन अपन टेम करेंगे और अगले एपिसोड में बचे हुए दो ड्रैगन यहाँ पे टेम करेंगे। टोटल पांच तरह के ड्रैगन यहाँ पे मिलते हैं, अल्फा, पॉइजन, आइस, फायर एंड लाइटनिंग भाई, ठीक है। तो ये पांच तरह के ड्रैगन है, तो ये पांच तरह के ड्रैगन आने वाले दो एपिसोड में अपन टेम करने वाले हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करें, उससे पहले गाइस जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा जो गोल है गाइस यहाँ पे, आपको बताया भाई ज्यादा नहीं है, छोटा सा गोल है गाइस यहाँ पे 1,35,000 सब्सक्राइबर का, जल्दी से कंप्लीट कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद डैडी के चैनल की, तो उनके चैनल को भी जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। तो फायर ड्रैगन तो अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, तो अपन भाई ज्यादा कुछ भाई एकदम ऐसा मगजमारी नहीं करेंगे, सीधा सीधा निकलेंगे अपन की जेली स्टार को लेके भाई, ठीक है। आई थिंक जेली स्टार नीचे लगी हुई, अबे हेलो, ये रही भाई जेली स्टार भाई, ठीक है। तो ये रही गाइस अपनी जेली स्टार, सीधा जेली स्टार को लेके निकलेंगे। और यहाँ पे तीन ड्रैगन है एक्चुअली में, एक है अल्फा और एक है फायर और एक है आइस। आइस वाले ड्रैगन को अपन कभी भी भाई टेम नहीं कर सकते। अगर आपको आइस वाला ड्रैगन टेम करना है तो आपको जो है ना उसको इवॉल्व करना पड़ता है। ये देख रहे हो यहाँ पे लिख के आएगा गाइस, कैनॉट बी टेम, मस्ट बी इवॉल्व। तो इसके लिए आइस इवोल्यूशन पोशन चाहिए होगा जो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए मेरे को जो है ना भाई किन्हीं दो तरह के ड्रैगन जो है ना वो सेम वाले ड्रैगन टेम करने पड़ेंगे। तो मैं देखता हूँ मेरे को कौन से वाले ड्रैगन मिलते हैं। अल्फा वाला ड्रैगन वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, अल्फा वाला ड्रैगन बस अपना कलेक्शन कंप्लीट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले जो ना अल्फा ड्रैगन को अपन टेम कर लेते हैं। जन जनार्दन जन भाई, ठीक है, जन जनार्दन जन, इजी पीजी बॉयज, ठीक है। यहाँ पे रुक जा लोंडे, हाँ भाई यहीं पे रुक जा, इसको जो है ना फटाक से टेम कर लेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। और इनकी सबकी पावर जो है ना भाई मैं आपको दिखा दूंगा टेम होने के बाद भाई, ठीक है। मेरे को जो ना आज दो ड्रैगन टेम करने हैं, वो दोनों के दोनों ड्रैगन टेम कर रहे थे, उसके बाद मैं आपको दिखाता। एक्चुअली मैं आज मेरे को तीन ड्रैगन टेम करने पड़ेगी, क्योंकि एक इवोल्यूशन के लिए भी चाहिए होगा ना यार, मेरे को एक इवोल्यूशन के लिए भी चाहिए होगा। आइस वाले को मैं टेम नहीं कर सकता, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा भाई, ये मेरे किसी काम का नहीं है। आइस वाला जो है ना इवोल्व करना पड़ेगा। आई थिंक मैं पॉइजन वाले दो टेम कर लूंगा शायद, पता नहीं, देख लेते। चलो अभी जो ना भाई आगे जाके पता चल जाएगा यहाँ पे कितने ड्रैगन है। अगर मेरे को एक और फायर वाला भी मिल जाता है तो भी मैं टेम कर लूंगा। लाइटनिंग और आइस वाला अगले एपिसोड में टेम होगा गाइस, ठीक है। अभी अल्फा तो टेम कर ही लिया भाई, वो भी पार्ट से भाई अपन ने। और यहाँ पे 560 वाला आइस दिख रहा है यार, आइस नहीं चाहिए यार मेरे को, आइस वाला कैनॉट बी टेम्ड है ब्रो, ये टेम नहीं हो सकता भाई। अभी यहाँ पे एक और पॉइजन घूम रहा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ ये रहा पॉइजन वाला, ठीक है। रुक जाओ गाइस, पॉइजन ड्रैगन को टेम कर लेते हैं भाई, ठीक है। वो अल्फा इंटोमेस रिक्स भी अपन ने टेम नहीं करा ना। आइस वाला भाई क्रीचर भाई काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे वेराइटीज़ है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या टेम कर लो भाई, ले ठीक है चलो। बोल रहा है ये पॉइजन वाला यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है भाई, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आजू बाजू थोड़ा सा खतरा है। अभी अपन ने अभी तक स्टील सेबर तूत की आर्मी नहीं बनाई है गाइस, मेरे को पता ही नहीं चला, अभी तक हमने सेबर तूत की आर्मी नहीं बनाई है भाई। वो इसके देखियो नीचे भाई आग लगी हुई है भाई, इसने आई थिंक पॉइजन अटैक दिया था मरने से पहले। कोई आके पेड़ डाले उससे पहले भाई, यहाँ पे टेम हो जाए बेटा। बेटा ये टेम भी हो गया क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिंस एंड्रू मेरे पीछे है। अच्छा प्रिंस एंड्रू पीछे है लेकिन भाई आने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा है, आ ही नहीं पा रहा भाई। जी बेटा वो इशारों में देख रहे हो कहाँ पे सोया है। अच्छा इसको भी मैंने गलती से नॉकआउट कर दिया भाई, ये देख रहे हो कौन से कोपचे वाड़ी में भाई की चारों पीढ़ी यहाँ पे नॉकआउट हो गया भाई, पता नहीं आई थिंक वो इनविजिबल होकर वहाँ पे बैठा हुआ था, एंड मेरा ध्यान नहीं गया और गलती से वो भी नॉकआउट हो गया। अभी जो है ना गाइस हमने दो जो है ना भाई वो कर लिए यहाँ पे ड्रैगन टेम, अभी हमको एक और ड्रैगन चाहिए भाई, कोई भी चलेगा गाइस, ठीक है। आइस वाला चढ़ के कोई भी चलेगा, और लाइटनिंग वाला छोड़ के, लाइटनिंग वाला तो अगले एपिसोड में टेम मारेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग वाला काफ़ी ज़्यादा ओपी होता है ना मतलब बातची, इसलिए जो ना अगले एपिसोड में ही टेम होगा। ब्रायू भी टेम करने थे भाई, क्या क्या क्रीचर है यार इसमें, मेरे को हर एक क्रीचर टेम करना है और हर एक क्रीचर के ऐसे आर्मी बना डालनी है भाई, ठीक है। वो
और इनको जो है ना भाई अपन एक जो भी भाई अपन ने आर्मी बनाई ना वो अपन भाई दूसरा डेजर्ट में एक बेस बनाएंगे एंड वहाँ पे जो है ना ये सारे के सारे क्रीचर ऐसा भाई लगा के रख दूंगा भाई इनके आर्मीज को भाई, ठीक है ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे तो ड्रैगन होते, फायर है क्या? फायर चल जाएगा ब्रो। अपन को कलेक्शन है 560 का है, काफ़ी हाई लेवल का है। अब बड़े आराम से चलेगा नहीं ये, दौड़ेगा भाई। रुक जाओ भाई, 560 वाला भाई है। अभी यहाँ पे एक भाई करप्टेड वाइब्रन भी है, वो भी 6 मेबल वर्जन। करप्टेड वाइब्रन कब से डेम होने लग गए बाबा? ठीक है अच्छी बात है। चलो ये फायर रुक जा भाई। अरे फायर सर जी भाई, वो तो पेगासस के पीछे पड़ा है। ले बस एक बार लग जा। अरे एक बार लग जा, नाइस लग गया और नीचे गिर भी गया। बाय बाय। अच्छा भाई सेफ लोकेशन पे गिरा, मेरे को लगा नीचे गिर जाएगा गाइस। ठीक है हो गया गाइस, अपना जो है ना भाई आज का काम कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा फायर वाला डैम करा है ना, इसको अपन बचा के रखेंगे और इसका इवोल्यूशन में अगले एपिसोड में जो है ना आपको दिखा दूंगा गाइस। ठीक है, प्रिंस एंड्रू के कितने ज्यादा सैडल मिल गए भाई मेरे को। ठीक है लेट्स गो। अभी जो है ना गाइस अपने पास कितने टोटल ड्रैगन है ना भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन भाई घर पे पहुंच के भाई। ठीक है घर पे पहुंच के अभी जो है ना भाई जेली जो है ना भाई इसको भी अपन क्रायो कर लेते हैं। जेली का भी काम हो चुका है। जेली स्टार जो है ना भाई वो काफी ज्यादा ओपी है यार, वो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है यार डैमेज को नॉकआउट करने में। भाई गन से तो ऐसा 400 साल लग जाते थे और फ्लायर को जो है गोरिल्ला नॉकआउट नहीं कर पाता था, लेकिन जब से जेल स्टार मेरी भाई पहली में बहुत ज़्यादा उदास था, उसके बाद भाई यहाँ पे आई मेरी लाइफ में जेल स्टार, जिसने हमारी लाइफ ही बदल डाली भाई। ठीक है आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे जो ना मैं आपको सारे ड्रैगन दिखा देता हूँ, ठीक है कौन कौन से मेरे पास फिलहाल के लिए भाई। अभी तक कलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें जो ना भाई 2 ड्रैगन और ऐड होना बाकी है गाइस। ठीक है ये रहा पहला जो कि फायर ड्रैगन। ठीक है रुक जाओ, अभी जो है ना भाई रुक जाओ, मेरे को यहाँ पे भाई सारे ड्रैगन डालने दो। उसके बाद ये भाई सेकंड वाला एंड आई थिंक ये वाला एलिमेंटल पॉइजन ड्रैगन है एंड एक अल्फा होगा, आई थिंक एक अल्फा होगा। देख प्राइम डिवाइन अल्फा किधर है? हाँ अल्फा ये रहा भाई, अल्फा ये रहा भाई। ठीक है तो ये रहा गाइस अल्फा ड्रैगन। कैनॉट बी फिट बोले, इतनी ज़्यादा जगह चाहिए क्या? वो अल्फा वाले को काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए बे। एंड ये रहा भाई पॉइजन, कैनॉट बी फिट इन द टारगेट एरिया बोले भाई। ठीक है ले भाई पॉइजन वाले, ठीक है भाई। एंड ये रहा भाई हमारा भाई हर एक को भेज गया क्या? हर एक को अलग अलग जगह चाहिए क्या? है हैं इधर आओ चुपचाप, इधर आओ लाड़ में। अरे भाई ऐसा लाइन से रहने का, अरे बाबा ऐसा नाटक नहीं करने का ज़्यादा भाई। ठीक है रुक जाओ, ऐसे सीधा टेढ़ा लाइन से नहीं रहेंगे भाई, ये मेरे को ऐसे लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है ले बेटे ओके ठीक है। ये अल्फा बाप रे कितना ज़्यादा बड़ा है भाई। उसके बाद ये रहा पॉइजन, ओके ये तो कुछ ज़्यादा ही, उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को। उसके बाद ये रहा भाई अपना फायर, एंड भाई साहब अपना फाइनल वाला एक और फायर ड्रैगन गाइस। ठीक है ये रहा अपना फाइनल फायर ड्रैगन गाइस। ठीक है आप बोल रहे हो ये तो कुछ ज़्यादा ही भाई बड़ी आर्मी हो गई, लेकिन रुको जरा सब्र करो, ये फायर वालों का कलर अलग अलग है, ये देख रहे हो इस फायर का और इस फायर का जो है ना भाई कलर अलग है। हाँ इसका विंग्स में ब्लैक है, नहीं हाँ कलर तो काफ़ी ज़्यादा अलग है भाई। तो ये रहे गाइस हमारे फायर वाले ड्रैगन, नहीं हमारी ड्रैगन आर्मी। इसमें अल्फा ड्रैगन और पॉइजन ड्रैगन आपको देखना बाकी है। ये दोनों जो फायर ड्रैगन है ना, इनके एबिलिटी मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिखा दी थी भाई। ठीक है अभी जो है ना गाइस यहाँ पे पॉइजन और अल्फा, पहले अल्फा वाले को लेके चलते और अल्फा वाले के जल भाई जो है ना मैं आपको दिखा देता गाइस। ठीक है रुक जाओ वही 6 मिनट भाई। अल्फा सर जी इधर आइए बैठ जाइए, हाँ भाई बिठा लीजिए हमको। रुक जाओ इसकी जो ना हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, एंड अल्फा के पास कौन कौन से अटैक है ना वो आपको दिखा देता गाइस। ठीक है ओके एंड इसके डैमेज में पॉइंट डालेंगे। पॉइजन वाले को यहीं पे रहने दो, मेरे को लग रहा है पॉइजन वाला जो ना आजू बाजू अगर कोई डायनो आ जाता है ना तो उसको टॉर्पोर देने का काम कर रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है गाइस। ठीक है गेम का आवाज़ कम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ना भाई इनका बेस की क्या पैरों का आवाज़ ही कुछ ज़्यादा होता गाइस। ठीक है रुक जाओ अभी देखना है। ठीक है तो यहाँ पे इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी है भाई? ठीक है फायर वाले के पास यहाँ पे बाइट अटैक है सिंपल वाला, लेफ्ट क्लिक पे फायर ब्रीथ कर रहा है भाई। ये तो ये अल्फा है ना, अल्फा के पास तो भाई सेम टू सेम फायर वाले की तरह एबिलिटी है। ओके लेकिन ये अल्फा वर्जन है गाइस, ठीक है फायर वाला नहीं, ये अल्फा वर्जन है गाइस। ठीक है रुक जाओ भाई अभी जो ना भाई इसका डैमेज में चेंज कर लेते हैं। डैमेज तो ठीक ठाक है, जितना भाई फायर वाला दे रहा था ना भाई उसी हिसाब से ये डैमेज भी दे रहा है। इसका फायर ब्रिथ जो है ना वो कितना जा रहा है वो देखना पड़ेगा मेरे को एक बार भाई। फायर ब्रिथ ओके ठीक है भाई, भाई उसने तो आइस वाले ड्रैगन को भी पेल डाला भाई। ठीक है ले बेटे, अबे यार ये नहीं स्पॉन होना चाहिए था, टाइटन गॉड स्पॉन हो चुका है, आराम से बेटा थोड़ा सा। ठीक है वहाँ पर मेरे को टाइटन गॉड की पूछ दिखाई दे रही है, टाइटन गॉड, हाँ भाई टाइटन गॉड स्पॉन हो चुका है भाई। ठीक है टेमेबल है क्या ये वाला? टाइटन गॉड की आर्मी ना बना दूँ टेमेबल मिल जाए तो। ठीक है भाई लोग ओके 200 के जो है ना भाई इसका फायर ब्रिथ जा रहा है, मैक्स लेवल का हो चुका है। इसका डैमेज मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 मिलियन जो है ना भाई
बस 2 मिलियन डैमेज जा रहा है मेरे को जो ना भाई, इनके डैमेज में से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपन को जो ना अपना कलेक्शन कंप्लीट करना है ठीक है। एंड ये जो कलेक्शन है ना भाई, ये बाद में मैं डेजर्ट में जाके इनके लिए जब बेस बनाऊंगा ना, तो डेजर्ट में एकदम ओपी वाला ऐसे सबको लाइन से रख दूंगा भाई, एकदम फुल टू मजे ही मजे आ जाएंगे भाई ठीक है। रुक जाओ, अभी जो ना भाई ये अल्फा वाला मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया भाई, ठीक ठाक है मतलब, बट ऐसा नहीं कि और बाप रे क्या ओपी डायनो, ऐसा कुछ नहीं है भाई इसमें भाई ठीक है। अभी पॉइजन वाले को ट्राई करते हैं, मेरे को पॉइजन वाले से थोड़ी सी उम्मीद है कि ये जो है ना कुछ खास कर लेगा यहाँ पे ठीक है। रुक जाओ देख लेते चलो, ओके डन डना डन डन, ये ले बेचे, ये ले बेचे एंड ये बेटे ठीक है। अभी इसके जो ना मिली डैमेज में भर भर के अटैक पॉइंट डाल देते हैं अपन ठीक है, भर भर के अटैक पॉइंट डाल देते हैं इसके मिली डैमेज में भाई ठीक है। चलो आ जाओ, अभी जो ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ड्रैगन है ना, अगर किसी के आजू बाजू भी जाएगा ना, तो उसको टॉर्पोर चढ़ना शुरू हो जाएगा, चिकआउट कर लेते ठीक है भाई। यहाँ पे रहा भाई ये पॉइजन सेबर, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है इसके पास, इसके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है भाई। पॉइजन वाला हो के पॉइजन कौन सा अटैक से देता फिर? अबे एक और टाइटन गॉड भाई, पावरी हो रही है क्या टाइटन गॉड की? वहाँ पे भी टाइटन गॉड, यहाँ पे भी टाइटन गॉड, ठीक है भाई। मैं टाइटन गॉड के सामने जो ना पॉइजन वाले को लेके नहीं जा सकता। हाँ टॉर्पोर चढ़ रहा है गाइस इसको, लेकिन भाई इसके ऊपर टॉर्पोर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है। इसका डैमेज बढ़ा के फायदा नहीं है गाइस ठीक है, ये देखो भाई इसका डैमेज बढ़ा के फायदा नहीं है भाई। टॉर्पोर बाप रे इतना ज़्यादा टॉर्पोर कैसे दे लेते हो भाई, 2K टॉर्पोर चढ़ा है उसको बस। अबे मजाक कर रहा है क्या, बेस क्या ये क्या बवासी रिडीम कर लिया मैंने, अबे यार ये क्या पकड़ लिया भाई, ये टॉर्पोर दे ही नहीं रहा, 1,000 2,000 3,000 टॉर्पोर दे रहा है बस। गाइस ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है भाई, ये किसी भी काम का नहीं है भाई। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैंने इसको पकड़ा तो पकड़ा क्यों भाई, क्योंकि ये टॉर्पोर देने का काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, टॉर्पोर देना छोड़ के सब कुछ कर रहा भाई। ठीक है कोई ना गाइस, अपना कलेक्शन तो बढ़ गया, और क्या ही चाहिए, 50,000, अच्छा 5 लाख जा रहा है बस का डैमेज ठीक है, 500 के जा रहा है ओके। और ये सारे के सारे ड्रैगन जो है ना पानी के अंदर जा सकते हैं, तो कोई उसमें स्पेशल बात नहीं है भाई। भाई सबसे ज़्यादा अगर टट्टी कोई ड्रैगन होगा ना, तो वो पॉइजन ड्रैगन है भाई ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ना ये टॉर्पोर देने का भी काम नहीं कर रहा। लेकिन कोई ना गाइस अपना कलेक्शन जो है ना वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा गाइस इनसे भाई ठीक है ओके। थोड़ा और ट्राई मार लेते, कोई इसके पास स्पेशल अटैक है क्या? अच्छा इसकी फायर ब्रीथ ग्रीन कलर की है क्या? हाँ इसकी ग्रीन कलर की है भाई फायर ब्रीथ, नाइस नाइस नाइस, ओपी बोलते ब्रो। ये क्या हो गया ओपन? हाँ भाई ठीक है चला जा। इसकी भाई जो है ना ग्रीन कलर की जो है ना भाई फायर ब्रीथ है भाई ठीक है। एंड इसके पास ऐसा कोई स्पेशल पिचल अटैक नहीं जिसे भाई काफ़ी ज़्यादा पॉइजन दे पाए। रुक जाओ मैं देख लेता, जमीन पर बैठ के टॉर्पोर दे रहा है क्या? ना 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 ना, टॉर्पोर बिरपोर चढ़ने का काम नहीं कर रहा भाई, ये तो टट्टी है गाइस ठीक है। भाई कुछ भी टेम कर लेना, लेकिन पॉइजन वाला ड्रैगन जिंदगी में टेम नहीं करना गाइस ठीक है, बहुत ही ज्यादा टट्टी है गाइस। कोई ना चलो, अपने कलेक्शन के लिए अपन ने कंप्लीट करा, और अगले एपिसोड में अपन लाइटनिंग एंड फाइनल वाला एक इवोल्व करना पड़ेगा, फायर से अपन आइस वाले में इवोल्व करेंगे। तो अगले एपिसोड में इवोल्यूशन प्लस अपने ड्रैगन की आर्मी जो है ना फुल टू रेडी होने वाली है, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर आज का एपिसोड और आज के जो भाई ड्रैगन उतने खास नहीं टेम करे अपन ने, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व के आर्क इटर्नल के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.